हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्यात्म का विषय। हर संडे मैं आपके लिए अध्यात्म का विषय लेकर आता हूँ। आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य के विषय में। यह शिकायत बहुत से जनों की रहती है कि हम इस दुनिया में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, अहिंसा की राह पर चल रहे, धर्म की राह पर चल रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, कभी चोरी नहीं करे, कभी कपट से धन नहीं कमा रहे, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अधिकतर लोगों की यही शिकायत रहती है भगवान से कि भगवान, प्रभु, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा। और दूसरी तरफ ऐसे जो लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, जो असत्य की राह पर चल रहे हैं, जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, वो आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, वो खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, उनके किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये आम लोगों की समस्या है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है भगवान। आज इस विषय में हम बात करेंगे। अधिकतर लोगों की भगवान से यही शिकायत रहती है कि हम सही रास्ते पे, सत्य की राह पे चल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ सारे दुख हमारे ऊपर भी क्यों आ रहे हैं प्रभु। लेकिन इसमें भगवान कहते हैं कि यह सब कर्म और भाग्य से जुड़ा हुआ। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक सुनाता हूँ, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि कर्म और भाग्य से ये कैसे सुख और दुख जुड़े हुए हैं। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आज बताऊंगा। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर जाते हैं और महादेव से पूछते हैं, महादेव, इस धरती पर बहुत ही अन्याय हो रहा है और ऐसा अन्याय आप आखिर कैसे देख रहे हो। ऐसा अन्याय मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। जो धर्म की राह पे चल रहा है, जो सत्य की राह पे चल रहा है, जो हमेशा अच्छा कार्य कर रहा है, उसको दुख भोगना पड़ रहा है। और जो कपट कर रहा है, जो इस दुनिया में बेईमानी से पैसा कमा रहा है, जो दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, वो सुखी के जीवन जी रहा है। तो ये शिकायत लेके देवर्षि नारद महादेव के पास पहुँचते और महादेव को ये शिकायत सुनाते कि महादेव, ये बहुत ही गलत हो रहा है धरती। तो महादेव देवर्षि नारद से कहते कि देवर्षि नारद, इस संसार में सब कुछ कर्म और भाग्य के माध्यम से हो रहा है, ऐसा कोई गलत इस संसार में नहीं हो रहा है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि नहीं महादेव, ऐसा गलत हो रहा है, मैं अभी देख के, मेरी आंखों से देख के आया हूं। तो महादेव देवर्षि नारद से कहते हैं कि सुनो, आखिर क्या तुम धरती पर देख के आए। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अभी अभी मैं देख के आया, एक चोर एक रास्ते से गुजर रहा था, एक गाय बेचारी दलदल में फंस गई थी। तो चोर का उस गाय को निकालना तो दूर, महादेव, वो उस चोर गाय के ऊपर पैर देके और आगे निकल गया। और जब वो आगे जाता है तो रास्ते में उसे मैं देखता हूं क्या होता है, उसको एक सोने की पोटली मिल जाती है। और दूसरी तरफ उसी रास्ते से थोड़ी देर बाद एक सज्जन पुरुष आता है और जब उस गाय को दलदल में फंसी हुई देखता है तो उस गाय को निकालता है, बड़ी मुश्किल से निकालता है, वो खुद दलदल में भर जाता है, फिर भी उस गाय को बड़ी मुश्किल से निकालता है। और क्या देखता हूँ, थोड़ी देर वो आगे जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। तो आप ये देखिए, ये अन्याय नहीं है तो क्या है प्रभु। और आप कहते हो कि नहीं, सब कर्म और भाग्य के माध्यम से हो रहा है, कैसे, मैं तो अभी इतना बड़ा अन्याय देख के आया हूं इस धरती पर। तो महादेव देवर्षि नारद को कहते हैं, नारद, इन दोनों का साथ हुआ जो बहुत ही अच्छा हुआ, इनके कर्म की वजह से हुआ है। तो नारद कहते हैं कि प्रभु कैसे, मैं समझा नहीं, पूरी बात को विस्तार से समझाइए। तो महादेव कहते हैं कि जो चोर उस गाय के ऊपर पैर रख के निकल गया, उस चोर के भाग्य में एक खजाना लिखा हुआ था, इतना बड़ा खजाना कि वो मतलब पूरी गांव, पूरे देश पे राज्य कर सकता था। लेकिन उसके कर्म ऐसे बुरे थे कि वो गाय के ऊपर पैर देकर निकल जाता है, तो उसके कर्म की वजह से उसको इतने बड़े खजाना नहीं हुए, तो छोटी सी एक पोटली मिलती है खजाने की। और दूसरी तरफ वो सज्जन व्यक्ति वहां से निकलता है, उस गाय को देखता है, गाय दलदल में फंसी हुई है, उस गाय को बाहर निकालता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं। और जब वो आगे जाता है तो उस खड्डे में जब वो गिरता है ना, आज तुमको पता है उस खड्डे में उसकी मौत लिखी हुई थी पहले, लेकिन जब उसने अच्छा कर्म किया और अपना सदकर्म किया तो उसकी मौत एक सिर्फ एक चोट में बदल गई।
तो हे देवर्षि नारद, यही तो इंसान के कर्म है। इंसान का भाग्य पहले से लिखा हुआ है। जब वो जन्म लेता है, उसे जन्म से पहले उसका भाग्य लिख चुका होता है देवर्षि नारद। लेकिन इस सृष्टि में कर्म को प्रधान माना गया है। अगर इंसान अपने कर्म अच्छे करता है, सद्कर्म की राह पे चलता है, तो अपना भाग्य भी बदल सकता है। महादेव उन देवर्षि नारद को कहते हैं कि भाग्य तो पहले से लिखा हुआ होता है देवर्षि नारद, लेकिन इंसान अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने सत्य आचरण से उस भाग्य को बदल सकता है। अगर सामने उसकी मृत्यु भी है, तो उस मृत्यु को भी वो अपने कर्म, अच्छे कर्म से उस मृत्यु को भी टाल सकता है। इसीलिए जिंदगी में ये कहानी ऐसे लोगों की शिकायत रहती है कि प्रभु हम अच्छा कार्य करते हैं, भगवान से शिकायत रहती है, फिर भी हम इतना अच्छा कार्य करते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया कि अच्छे कर्म करते रहिए, सद्कर्म करते रहिए। अगर आपके भाग्य में बुरा भी लिखा है, अगर आपके भाग्य में बहुत ही विकट स्थिति लिखी हुई है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप सद्कर्म की राह पर चलेंगे, तो आपका भाग्य भी बदल सकता है दोस्तों। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज यहीं, देखते रहे मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।